Good morning, dear students. Today we will start chapter 1, relation and function, class 12 from NCERT book, relation and function. Relation and function 11th class में भी आपने पढ़ा था. Relation का meaning क्या है वो जानने के लिए थोड़ा सा बेसिक वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था. रिलेशन जनरली हम अपनी पब्लिक लाइफ में, हमारी फैमिली में हम बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं. मदर का रिलेशन, फादर का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कजन का रिलेशन, है ना, फ्रेंड्स का रिलेशन. सिमिलरली मैथ्स में भी रिलेशन होता है. कैसा रिलेशन? नंबर का रिलेशन. भाई दो नंबर लिख लिए, टू नंबर्स ओड नंबर हो गए, टू इवन ले लिए, है ना, इस टाइप का रिलेशन हम देखने को मिलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं 11th क्लास के टॉपिक से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी 5 6 7 8. सो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, और इधर ध्यान देंगे सभी, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. ये मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी. इस पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जितने भी ये क्या कहते हैं, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर बने हुए हैं. एक स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है? जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं. जितने भी मेरे फर्स्ट एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ए सेट से बिलोंग करते हैं. जितने भी मेरे बी सेट हैं, जितने भी बी एलिमेंट्स हैं, यानी दूसरे नंबर वाले सेकंड एलिमेंट हैं, वो सारे सेट बी से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट सभी ए से बिलोंग करते हैं, सेकंड एलिमेंट सभी बी से बिलोंग करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज दे आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद यह आता है कि क्या दो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जैसे मैंने ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए लिख दिया, या सी कोमा डी लिख दिया, ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी. अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने इक्वल लिख दिए. ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो. ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात. टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल व्हेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर. ओके, नाउ ए इज इक्वल टू सी या बी इज इक्वल टू डी, ऐसा तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, या एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर. ये दो इक्वालिटी. उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसा भी 11th क्लास में पढ़ा था आपने, उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. अब रिलेशन देखते हैं. क्या देखते हैं? रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए इज आर टू बी लिखा हुआ, ए आर बी, इट मींस ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी. हर एक एलिमेंट रिलेटेड है एक दूसरे से. कैसे? एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज टेकन आउट इन सम मैनर. ए क्रॉस बी कहां है? ये हमने निकाला है. इसी का सबसेट तो अपने 11th क्लास में पढ़ा था. सबसेट का मीनिंग ए सेट के, जैसे ए सेट है 1 2 3, इसके सबसेट निकालने हैं. 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड इनफिनिटी, यू नो.
तो वहां पर सब सेट 11th क्लास में पढ़ा था। तो इस सी के इस ए क्रॉस बी या कुछ सेट, कुछ ही या सारे ले लो या कुछ सब सेट होते हैं, वो कहलाता है रिलेशन। क्या कहलाता है वो? रिलेशन। तो देखिए मैंने एक रिलेशन तैयार किया आपके आगे, रिलेशन ए टू बी, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन, ए एंड बी आर बोथ इवन। इवन कौन से हो सकते हैं? इवन मैं ले रहा हूं, जैसे इसी के अंदर इवन की बात करता हूं तो 2.6 इवन है, 2.8 इवन है और 4.6 और 4.8 ये मेरे क्या है? इवन है। ये रिलेशन तैयार होगा, ये रिलेशन तैयार होगा। फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं, गॉट इट? नाउ सेकेंड है ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ ओड, दोनों ओड नंबर्स, तो रिलेशन तैयार कर सकते हैं हम ओड के लिए 1.5 1.7 3.5 3.7 ऐसे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? क्वेश्चन ये राइज होगा, हाउ मेनी रिलेशंस, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो उसका सीधा सा एक क्वेश्चन है, क्या नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं सेट ए टू सेट बी के अंदर? तो आपने क्या करना है, ए चेक करना है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट। तो जब हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होगा बेटे क्या, 2^n (m)n ए के साथ जितने एलिमेंट है एम, बी के जितने एलिमेंट एन, इन दोनों की प्रोडक्ट करो और 2^n बना दे, वही आपके क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। एग्जांपल लिखा है बेटे हमने, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? सेट ए के अंदर ये एलिमेंट, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। सेट बी के अंदर कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला बताया? 2^m (n)। तो आप देखेंगे ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। बी के अंदर भी कितने हैं? 3। तो 2^9 और 2^9 कितना होता है? 512। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन पढ़ते हैं ब्रीफ में, फंक्शन, क्योंकि चैप्टर नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। ए इज टू बी इज ए रिलेशन, फंक्शन को क्या कहा गया है? रिलेशन कहा गया है। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी दो ऑर्डर पेयर उनका एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? नो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी सेम एज ऑर्डर पेयर, Each element of A has one and only one image in set of B. Set A के हर एक element की one and only एक ही image होनी जरूरी है। For example, मैंने एक function तैयार किया बेटा, A comma B such that B is equal to A plus 5. B is equal to A plus 5. For all A belongs to A and B belongs to B. एक function तैयार किया बेटे, देखो बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। A comma B such that B is equal to A plus 5 for all A belongs to set A and B belongs to set B. तो a small a set A से belong कर रहा है, small b set B से belong कर रहा है। तो आपने A की value रखनी है, A की value जो मैं 1 रखूंगा, देखो यहाँ पर 1 है, 1 रखूंगा 1 और 5 6, 2 रखूंगा तो 7 आएगा, 3 रखूंगा तो 8 आएगा। अब इसमें A set में 4 भी है, 4 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। बट बेटा 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो इट मींस ये उसके अंदर नहीं आएगा, ये ऑर्डर पेयर उसके अंदर नहीं आएगा, तो ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अंडरस्टूड? ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस, बट जो मैंने बताया है
फंक्शन के अंदर देखो जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं इनके सबके फर्स्ट एलिमेंट, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, कोई डिफरेंट कोई सेम नहीं है। लेकिन रिलेशन देखो ये लिखा हुआ 2 6 2 8 4 6 4 8, पहले ही दो ऑर्डर पेयर चेक करो आप, दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, लेकिन यहां पर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक पॉज द वीडियो एंड नोट ऑन दिस स्टेप। स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। अब कितने टाइप का रिलेशन होता है, तो लेट आर बी ए रिलेशन, और मैंने कोई रिलेशन ले लिया इन सेट ए, सेट ए के अंदर कोई रिलेशन ले लिया, कैसा रिलेशन ले लिया, आर जो रिलेशन है वो सब सेट है किसका, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए, ए सेट ही रहा बेटे 1 2 3 4, इसी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 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
हरेक एलिमेंट अपने सभी एलिमेंट से रिलेटेड है। चलिए ये हो गया, कोई भी मैं लिंक रिलेशन तैयार करता हूं, इसी से इसी को लेकर के मैं सभी रिलेशन को डिस्कस करता हूं। सबसे पहला रिलेशन नल रिलेशन, नल नल वॉइड भी कहते हैं और एम्प्टी भी कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी कहते हैं और एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन ए टू बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, बी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब आप यहां पर देखेंगे कि ऐसा कोई भी एलिमेंट इस पूरे सेट में नहीं है। ए देखिए, ए भी दो एलिमेंट लिए, ए जो स्मॉल है वो भी किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ए के साथ, बी भी किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ए के साथ। ये दोनों एलिमेंट इसी सेट से हैं, सेट ए से ही हैं, ओके। अब मैं ए की मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर पुट कर दूं और मेरा कोई वैल्यू आ जाए। ए के अंदर मैं यदि 1 पुट करता हूं तो बी की वैल्यू 6 आएगी। क्या 1.6 इस ऑर्डर्ड पेयर में है, इस रिलेशन में कहीं 1.6 दिखाई दे रहा है? अरे क्या 1.6 दिखाई दे रहा है भाई किसी बच्चे को? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए वी कैन से इट इज नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? नाउ सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से, सेट बी मैंने यहां पर इसलिए लिखा बेटे ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना हो कि ए कौन सा है बी कौन सा है, ठीक है? एक रो से एक और दूसरा बी को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे हरेक एलिमेंट सेट ए के सेट बी के हरेक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या दुनिया में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं हुआ जो इसको झूठला साबित कर सके। मोडल्स लगा दिया, दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है उसका जो मोड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इन दोनों रिलेशन को ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं, इन दोनों रिलेशंस को ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं, टी आर आई वी ए ट्राइवल रिलेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बुक्स में कम होता है, जरूरत नहीं होती इतनी। रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट अपने सेट के साथ ही बिलोंग करता हो, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट ऑन दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू क्लास 12। अब तक जो हमने पढ़ा सारा बैकग्राउंड पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ चुके, उसके बाद 12th क्लास में जो हमारे फेमस इंपोर्टेंट रिलेशन है वो थ्री रिलेशन है।
कितने हैं, थ्री। फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, मैंने जो जरूरी थी वो यहां छोड़ दिया है। टाइप ऑफ रिलेशन लाइक आर बी रिलेशन इन सेट एरिया मैंने आपको सिखा दिया, एक रोज से मैंने एक सेट लेके चल पड़ा, इसी के अकॉर्डिंग में सारे सिखा रहा हूं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां क्या लिखा हुआ है, रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा ए, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इट मींस जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर वो सारे एलिमेंट अपने आप से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, तभी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अंडरस्टूड? देखते हैं, एक रिलेशन लिखा मैंने अपर बोर्ड पे, ध्यान देंगे 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अरे क्योंकि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 एलिमेंट, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 4 4 नहीं है भाई। 4, 4 does not belongs to relation, that's why it is not a reflexive relation. Reflexive relation होने के लिए 4 4 भी होना जरूरी है। For example, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, that is reflexive relation. ये है reflexive relation. तो कहोगे सर ऐसा तो यहां पर भी पढ़ा था हमने identity relation में, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? बेसिकली डिफरेंस बट ये डिफरेंस है, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ, एवरी, हर एक एलिमेंट सेट ए का अपने साथ अपने आप रिलेटेड होना चाहिए, अपने साथ इंडिविजुअली इटसेल्फ रिलेटेड होना जरूरी है, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां लिखा हुआ फॉर ऑल। ओके, तो क्या ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, तो क्या ये आइडेंटिटी भी है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ है, रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। आइडेंटिटी रिलेशन भी है तो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी, क्या सर ऐसा पॉसिबल है, क्या रिफ्लेक्सिव को ही आइडेंटिटी और लगे? हो सकता है, हो सकता है क्या? हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी भी होगा, बट देखो ऊपर वाला जो रिलेशन था वो आइडेंटिटी रिलेशन था लेकिन रिफ्लेक्सिव तो नहीं था ना, आइडेंटिटी रिलेशन था लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, बट आइडेंटिटी रिलेशन कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंडरस्टूड? नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, दैट इज क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी और भी है, रहने दो मेरे को, मतलब सभी ए के सभी एलिमेंट्स हैं ना, हर एक एलिमेंट है ना बेटा इसके अंदर, अपने आप के साथ रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव? चलिए हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता, A1 A2 belongs to R, this implies that A2 A1 belongs to R. क्या लिखा मैंने, A comma B belongs to R, this implies that B comma A belongs to R. या A comma B A relation के अंदर है तो B comma A भी उसी relation के अंदर होगा, तभी आपका क्या हुआ बेटे, क्या हुआ symmetric relation, clear? For all, for all word use किया गया है, every नहीं use किया गया, ध्यान रखना for all। देखिए example, देखिए मैंने लिखा 1, 2, 2, 3, 1, 1, चेक करते हैं, देखो 1, 2 है, हाँ 2, 3 है, yes, तो क्या 1, 3 sorry 1, 2 है, क्या 2, 1 है, 2, 3 है? देखो बेटा 1, 2 हम लिख देंगे, 1, 2 belongs to R, तो
एसिमेट्रिक होने के लिए 2,1 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए इसके अंदर। तो क्या 2,1 है? नहीं है ना भाई, 2,1 इज नॉट द नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, अंडरस्टूड, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चेक करते हैं नेक्स्ट, या देखते हैं 1,2 है, ठीक है 2,1 भी है, 1,2 है तो 2,1 भी है, ओके अब इसको चेक करते हैं, 2,1 है तो 1,2 भी है, 1,1 है 1,1 भी है, 2,2 है तो 2,2 भी है, 3,3 है तो 3,3 भी है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये चेक करते हैं, यहां लिख रहा हूं सिमेट्रिक रिलेशन, ये पहले वाला नहीं है दूसरे वाला है, 1,1 है तो 1,1 भी है, 2,2 है तो 2,2 भी है, 3,3 है तो 3,3 भी है, 4,4 है तो 4,4 भी है, 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,1 है तो 1,2 भी है, ये 2,2 दो और लिख दिया, तो ये भी आपका क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, 1,1 है तो 1,1 भी है, 2,2 है तो 2,2 भी है, 3,3 है तो 3,3 भी है, 4,4 है तो 4,4 भी है, तो ये भी आपका क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्या हुआ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव, तो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं इसी में, क्या रिफ्लेक्सिव है, ये तो है ही नहीं क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, ओके ये 1,1 में है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 4,4 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, दैट्स वन, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव। अब मुझे उम्मीद है यदि आपने इसको ध्यान से समझा है तो ये आपको समझ में आ गया, दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। नाउ आई एम टेकिंग ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, समझने की कोशिश करें बेटा, जो ऑर्डर पेयर है पहला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आपको समझना जरूरी है। यदि ये समझ में नहीं आया ये वाले कंसेप्ट, तो इस चैप्टर का लास्ट तक आपको ये पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो गया क्या नहीं। जिस बच्चे को ये क्लियर हो गया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये समझ लें 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बेसिक जो फंडा है वो मजबूत हो गया आपका, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दी इंप्लाई ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 भी है, तो क्या 1,3 है? भाई देखो ना ए बी बी सी, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखते हैं ध्यान से देखना भाई, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये ए कोमा बी हो गया, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी हो गया, तो 1,3 क्या है इस रिलेशन के अंदर? नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। क्लियर? चलिए यहां चेक करते हैं, 1,2 है, 2,1 भी है, 1,1 भी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 2,1 है, 1,1 है तो 2,1 भी है, 1,1 है हाँ है तो 1,3 भी है तो 1,3 भी है, 2,2 है तो 2,1 भी है तो 2,2 भी होगा, 3,3 है, 3,3 है, देखिए 3,3, लेकिन 3 और कोई ऑर्डर पेयर जिसका नहीं है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो बेटा ध्यान से समझो इस बात को। मैंने क्या कहा है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब किसी रिलेशन के अंदर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर को हो जाए लेकिन बी कोमा सी ही ना हो, बी कोमा सी ही ना हो, तो उसका चेक करने का कोई फायदा नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांजिटिव केस में, सो वी कैन से दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज
transitive relation. Understood or not? Now I am taking third example. Okay, students. 1, 2 belongs to R. 2, 1 भी है. तो क्या 1, 1 है? हाँ, 1, 1 है. 2, 1 है. तो 1, 1 भी है. तो 2, 1 भी है. 2, 3 है. तो 2, 2 भी है. तो 2, 2 भी होगा. ठीक है. 1, 1 है. 1, 2 है. तो 1, 2 भी है. 3, 3 है. तो नहीं. तो that is also symmetric relation, transitive relation. ये भी transitive relation है. तो ये सेकंड एग्जांपल भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है और थर्ड भी ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब चेक करते हैं ये वाला. 1, 1 है. 1, 2 भी है. तो 1, 2 भी होगा. ठीक है. 2, 2 है. तो 2, 1 भी है. तो 2, 1 भी होगा. 3, 3 है. 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं. 4, 4 के भी साथ नहीं, बिल्कुल ठीक है. 1, 2 है. 2, 3 है. तो 1, 3 चेक करो भाई. 1, 2 है. 2, 3 भी है. लेकिन 1, 3 नहीं है ना. लास्ट में जाकर के ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ. सिर्फ यहां चेक करने के बाद देखो बेटा, यहां तक तो मेरे सारे ऑर्डर फिर सही लग रहे थे, ट्रांजिटिव लग रहा था. लेकिन इस केस में आने के बाद 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है. तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. ये ट्रांजिटिव है. जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो ट्रांजिटिव पक्का है. ये रिफ्लेक्सिव है. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 रिफ्लेक्सिव है ना. तो ये ट्रांजिटिव भी है. ओके. नाउ अब मेन चीज क्या है, एक और रिलेशन आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या होता है बेटा, जो रिलेशन विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जो रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर ऐसे देखो. ये आपकी इंट्रोडक्शन थी एक्सरसाइज 1.1 के लिए. ठीक है. ये सारे कंसेप्ट आपको फिर नोटबुक में लिखना है. चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन आपकी इंट्रोडक्शन हुई. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस स्टेप्स. थैंक यू.